स्वागत है आपका हमारे टेबल शो पे। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही चुकी होगी कि पबजी अब ऑफिशियली इंडिया से बैन हो चुका है और उसके साथ 117 और ऐप्स भी बैन हो गए हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पबजी बैन होने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टेबल शो। गाइस पबजी बैन होने के बाद बहुत लोगों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पबजी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। तो गाइस पबजी बैन होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गेमर्स और यूट्यूबर्स का जो गेमिंग करते थे, क्योंकि अब वो लाइव स्ट्रीम गेमिंग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि किसको इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें ही मिलेगा क्योंकि पबजी खेलते थे तो एक तरह से हमारा टाइम उसमें इन्वेस्ट होता था, तो हम पबजी को एज अ टाइम पास ही खेल पाते थे क्योंकि गेम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव था। लेकिन अब हम अपने टाइम को सही तरह से सही जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जितना टाइम हम पबजी को देते थे अब उतना ही टाइम हम और चीज़ों को दे सकते हैं। जैसे आप इजीली अपने यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं, अकाउंट्स बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए आगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गाइस जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए वो है टाइम का एडवांटेज, जिसे हम अच्छी तरीके से सही जगह पर यूज़ कर सकते हैं। गाइस दूसरा बड़ा एडवांटेज है एडिक्शन का। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो लोग पबजी खेलते थे वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें एडिक्ट हो गए थे, मतलब उन्हें और कोई चीज़ सूझती ही नहीं थी। तो गाइज अब फाइनली पबजी के जाने के बाद हम वो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम भी ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज पबजी तो अब बैन हो ही चुका है, लेकिन इसका बैन होना सही था या गलत, इसका फैसला मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाते ही रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।